आज हम बनाएंगे पनीर भुर्जी, जो कि अंडा भुर्जी को भी टक्कर देती है। इस भुर्जी को बनाने के लिए हम लोगों ने एक टमाटर काट लिया है, दो मीडियम साइज के प्याज काट लिए, थोड़ा सा बटर ले लिया है, साथ में अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, आधा किलो पनीर ले रखा है। अब चलो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लेंगे रिफाइंड, आप कोई भी तेल या रिफाइंड यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा बटर ऐड कर दिया, और बटर के अच्छे से पिघलने के बाद इसमें ऐड करें जीरा और कड़ी पत्ता। फिर इसमें ऐड करें बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज जो है वो भुर्जी में ना अच्छा सा फ्लेवर लाने में बहुत हेल्प करता है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे दो मीडियम साइज के प्याज लिए थे। प्याज को 2 मिनट अच्छे से पकाने के बाद जब उसका कलर हल्का सा गोल्डन हो जाए तब आप इसमें डाल देना टमाटर, और उसके बाद इसमें हल्दी और नमक डाल देंगे जिससे हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। फिर इसमें हमने डाल दी कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि भुर्जी का अच्छा कलर लेके आती है। फिर उसके बाद हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला, और इन सबको अच्छे से 2 मिनट पकाने के बाद इसमें ऐड करेंगे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। जो अदरक होती है वो बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आती है खाने में, और इसका फ्लेवर और बढ़ाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया पाव भाजी मसाला। अब हम अपनी गैस को बिल्कुल मीडियम कर देंगे और इन मसालों को पकने देंगे, और तब तक हम अपने इस पनीर का अच्छे से चूरमा बना लेते हैं। तो इसको हाथों की हेल्प से अच्छे से आप लोगों को इसको तोड़ फोड़ के एकदम बारीक कर देना, जितनी पतली जितनी बारीक आपको भुर्जी चाहिए ना उतना इसको आप लोगों को ऐसे फोड़ लेना है। ये वाला पनीर कितना सॉफ्ट है ना, एक और पनीर आता है सोया का पनीर आता है वो थोड़ा टाइट होता है। तो अगर आप लोगों को भुर्जी बनानी हो ना तो हमेशा दूध वाला पनीर यूज करना, जो गाय के दूध का या भैंस के दूध का होता है, क्योंकि जो सोया दूध का पनीर बनता है ना वो बहुत ज्यादा टाइट भी बनता है और उसका स्वाद इतना बढ़िया नहीं आता जितना इसका आता है। तो अपने पनीर को हमने तैयार कर लिया है भुर्जी के लिए, अब इसको हम लोग मसाले में ऐड कर देंगे और उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से चलाएंगे। हमारा मसाला भी बहुत बढ़िया खुशबू दे रहा है क्योंकि बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसे पका लिया है। भुर्जी ना बड़ी झटपट बन जाती है क्योंकि मसाला पकाने में मुश्किल से मुझे 5 मिनट लगे थे, और उसके बाद ये भुर्जी ऐड करके सिर्फ 2-3 मिनट का टाइम लगता है इसको मिलाने में। और उसके बाद इसमें नमक डाल देना स्वाद अनुसार, थोड़ा सा मैंने इसमें दूध भी डाल दिया है, और इसको देखो कितना बढ़िया करके हम लोगों ने पका लिया है। तैयार हो चुकी है हमारी पनीर भुर्जी, एंड में थोड़ा सा आप लोग गरम मसाला डाल देना। और भुर्जी में जब हम लास्ट में गरम मसाला डालते हैं ना तो उसका फ्लेवर जो होता है वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो अब हमारी जो भुर्जी है वो तो तैयार हो चुकी है। इसका कलर थोड़ा फीका फीका सा लग रहा था मुझे, तो मैंने इसमें थोड़ी सी और कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी, कलर हमारा बढ़ा देती है भुर्जी का, क्योंकि दिखने में भी खाना ज्यादा टेस्टी लगना चाहिए ना। परफेक्ट भुर्जी तैयार हो चुकी है, आप लोग भी बनाइए खाइए और कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी। और जितने भी लोगों ने ना मेरी तरह अंडे छोड़ दिए हैं बट वो भुर्जी को मिस करते हैं तो वो ये वाली भुर्जी ट्राई कर सकते हैं, ये परफेक्ट वेजिटेरियन भुर्जी है। तो ये हमारा तैयार हो गया टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। सो आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी रेसिपी लेके आ सकें।